नमस्कार दोस्तों, फेमस एक्सट्रूड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे भी मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये जो मेरा माउस है काफ़ी देर बाद जो है रिस्पांस करता है, काफ़ी देर बाद जो राइट क्लिक का जो राइट मेनू निकलता है वो काफ़ी देर बाद निकलता है। ये प्रॉब्लम जैसे हम सोचते हैं कि ये हैंग हो रहा है या हमारा पीसी जो है वो हैंग हो रहा है, जैसे हम यहाँ सर्च भी नहीं कर पाते हैं, इसके लिए भी बहुत हमारा पीसी हैंग जैसा होता है। आपको लग रहा होगा कि हैंग हो रहा है। मैं आपको अपना माउस चेंज करके दिखाता हूँ, अपना जो पहले जो डिफ़ॉल्ट माउस होता है उसकी तरह रख के दिखाता हूँ। देखिए कितनी देर लगा रहा है ये राइट क्लिक ओपन करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए भी कितनी देर लगा रहा है, जबकि मेरा जो है बिल्कुल ये इस टाइम बेस्ट कंडीशन पे चल रहा है। तो इसे कैसे सुलझाना है, तो आपको करना क्या है, स्टार्ट पर जाइए, वहाँ पर जाके आप सर्च करना है आपको रेजिडिट, इसको बोलते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्री, तो इसे कहते हैं रेजिडिट है। या हमारी जो पूरा कंप्यूटर है, जो पीसी लैपटॉप है, ये सारे रजिस्ट्री के एक रजिस्ट्री पे चलता है, जो कोडिंग होती है, छोटी छोटी कोडिंग्स होती हैं जिसके ऊपर ये चलता है। तो आप देख सकते हैं जो हमने करना क्या है, सर्च करना है रेजिडिट। तो उसके बाद आपके पास ऐसी छोटी सी बड़ी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये स्मॉल में भी हो सकती है, आप मैंने इसे फुल स्क्रीन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पांच चीज़ें हैं यहाँ पे, ये पांच ऑप्शन पांच टैब्स हैं यहाँ पे। आपको जो यहाँ तक जाना है, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, कि आपको यहाँ से इन्हें टैब को ओपन कर करके यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले मैंने रूट वाली ओपन कर ली है, अब मैं दूसरी ढूंढ रहा हूँ, तो क्या है डायरेक्टरी। तो यह डायरेक्टरी आप देख सकते हैं, डायरेक्टरी को मैंने यहाँ से इस जो एरो की है इससे ओपन करना है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टरी ओपन कर दी, अब डायरेक्टरी के अंदर जो बैकग्राउंड है अब मुझे उसे ओपन करना है। तो डायरेक्टरी के अंदर बैकग्राउंड भी मैंने ओपन कर लिया, बैकग्राउंड के अंदर जो है सेलेक्स, तो सेलेक्स मुझे ओपन करना है। तो जैसे मैंने सेलेक्स ओपन कर लिया, यहाँ पे है आपका कॉन्टेक्स्ट मेनू हैंडलर, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग पाँच से छः यहाँ पे जो रजिस्ट्री हैं फोल्डर टाइप के वो दिखाई दे रहे हैं। इनमें से दो आपको थोड़े ऑड जैसे लग रहे होंगे, जिनका नाम है जो अलग जैसा लग रहा है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो यही दोनों रजिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इसे आपने डिलीट कर देना। इससे पहले कि इसे डिलीट करें, हम इसे बैकअप कर लेते हैं। जो आप देख सकते हैं इनके नाम है, इनके नाम मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। हो सकता है इसका कुछ और नाम भी हो, लेकिन ये थोड़ा सा और सा नाम होगा। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, बैकअप कर लेते हैं, इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम कहीं और, अगर बाद में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसे वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसे अपने डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ। तो मैंने दोनों को रजिस्ट्री वन और रजिस्ट्री नाम रजिस्ट्री टू नाम दे के सेव कर लिया है डेस्कटॉप पे। अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे दोनों फाइल्स आ चुकी हैं, और हमें करना क्या है, इन्हें डिलीट करना है। इसके बाद तो शुरू करते हैं और सीधे राइट इसे डिलीट कर देते हैं दोनों को। देखिए ये डिलीट कर दिया, इसे ये परमानेंटली डिलीट कर दीजिए इसे दोनों को। और अब आप देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो रही है। नो आपको लग रहा होगा हैंग हो रहा है, लेकिन आपका पीसी हैंग नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम रजिस्ट्री की वजह से आ रही थी, और ये यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है बहुत ही आसान से स्टेप्स से। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई होगी, और अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है या फिर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं कमेंट वीडियो बाकी आप मुझसे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की अपनी प्रोफाइल रख के रखी है, वहां से आप कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी फीडबैक जरूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हाँ ये थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन ज़रूर करूँगा, पक्का करूँगा। तो इन शब्दों के साथ थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, गुड बाय।